सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सियोम एंड आप सभी लोग देख रहे हो माइनक्राफ्ट टेक्स्ट बॉक्स। आज की इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं डायमंड। बोले तो यहाँ पर हम डायमंड ढूंढने वाले हैं। बोले तो आप सभी लोग को मैं आज डायमंड के कोऑर्डिनेट देने वाला हूँ। पता नहीं भाई मैं कौन सा सस्ता से फूक के वीडियो बना रहा हूँ। और बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड बेल वाली घंटी के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं, उसे ऑल पर सेट कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने शाउट आउट विनर। तो जो हमारा फर्स्ट शाउट आउट विनर है वो है ये @GummanPro। अगली वीडियो में गुमन नाम लेना, बिग फैन। ओके थैंक यू ब्रो बिग फैन के लिए। और ये मेरे प्यार सब्सक्राइबर है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गुमन नाम ले लिया है। और जो हमारे सेकंड सब्सक्राइबर का कमेंट है वो है ये, चलो हम इसे यहाँ पर पढ़ के बताते हैं। ये है सुमित गेमिंग 481। इसने लिखा है कि ऐसे ही वॉइस ओवर के साथ वीडियो डाला करो। फ्यूचर में तो नहीं बट अभी मैं फिलहाल वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो डालने वाला हूँ जितनी भी, बट मेरी 10वीं है तो उस वजह से मैं यहाँ पर, तो फ्यूचर में तो नहीं पता बट मैं ऐसी वॉइस ओवर के साथ यहाँ पर वीडियो डालने वाला हूँ। चलो यहाँ पर हम तीसरे सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ लेते हैं। मार्वल एडिट जेड 392, क्या मतलब कि 372 होता है, नहीं 382 होता है मेरे ख्याल से। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। क्या मतलब कि मैं बैक बेंच पे ना बैठ के फ्रंट बेंच बैठता तो ये दिन ना देखने को मिलते। नहीं 382 है अब, अच्छा सा लग रहा है। इसका कमेंट है ब्रो प्लीज स्लाइम कैसे ढूंढे माइनक्राफ्ट ट्रायल में, प्लीज ब्रो आई आस्क 3 टाइम बट यू डोंट रिप्लाई मी। यार सॉरी, उसके लिए मेरे 10th क्लास के पेपर आने वाले हैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर बंदों के कमेंट की रिप्लाई नहीं देने वाला। एंड इसके बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ पर 2-3 वीडियो के बाद पक्का लाने वाला हूँ, या फिर इससे अगली वीडियो भी हो सकती है इसके ऊपर। चलो बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ओके फाइनली गाइस मैं स्पॉन हो चुका हूँ। चलो सबसे पहले हम चलते हैं सीधा सामने की तरफ, क्योंकि हमारे डायमंड जो है वो सामने की तरफ ही मिलने वाले हैं। एंड हम सीधा नीचे की तरफ ही माइनिंग करने वाले हैं, हम केव में तो जाने वाले नहीं हैं। आप सभी लोग को यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सभी लोग को यहाँ पर नीचे की तरफ माइनिंग करनी है। एंड आप बस नीचे की तरफ डिग डाउन नहीं करते जाना। चलो मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ और सीधा डायमंड के पास जाके मिलता हूँ, इतना वीडियो एंजॉय कीजिए। एंड ओके फाइनली देख सकते हो हम डायमंड के पास आ चुके हैं। आप वहाँ से माइनिंग करते आना जहाँ पर मैंने ब्लॉक खोद रखे थे पहले से, तो वहाँ से मैंने पहले से माइनिंग कर रखी थी, तो वहाँ से माइनिंग करते आना तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 डायमंड देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जस्ट आप सभी लोगों को यहाँ पर देखो, रुको एक सेकेंड, आप सभी लोगों को रुको कौन सी ब्लॉक माइन करना है, आप सभी लोगों को इस तरफ माइन करना है। देखो मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को इन कोऑर्डिनेट पे इस तरफ माइन करना है। चलो मैं इस तरफ आप सभी लोगों को यहाँ पर माइन करना है। एंड यहाँ पर आप सभी लोगों को थोड़ा आगे जाना है। एंड ओके फाइनली उसके बाद आप सभी लोगों को इस तरफ माइनिंग करना है। आप सभी लोगों को जो आप सभी लोग कोऑर्डिनेट है वो आप सभी लोग मैच कर सकते हो। रुको एक सेकंड, में पहले मैं यहाँ पर नाइट विजन एड ऑन लगा के आता हूँ, मैं माइनक्राफ्ट ट्रायल में लगा लेता हूँ क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा नाइट हो रही है तो अंदर की तरफ। चलो रुको मैं वीडियो कट करता हूँ 5 मिनट में। एंड ओके फाइनली देख सकते हो आप, हमने यहाँ पर नाइट विजन एड ऑन लगा लिया है। उसके बाद आप सभी लोगों को जस्ट इस तरफ माइनिंग करनी है। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को इस वाले कोऑर्डिनेट पे नीचे की तरफ आप सभी लोगों को माइनिंग करनी है। एंड जैसे ही आप नीचे की तरफ यहाँ पर माइनिंग करोगे, एक सेकंड रुको, ओके उसके बाद आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक डायमंड कितने हैं यहाँ पर वो मुझे नहीं पता। यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर 2 डायमंड देखने को मिल जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 6 डायमंड हो चुके हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को इस तरफ माइनिंग करनी है। रुको, हाँ आप सभी लोगों को गाइस इस तरफ माइनिंग करनी है। एंड ओके फाइनली इस तरफ आप सभी लोगों को गाइस यहाँ पर माइनिंग करनी है। एंड एक सेकेंड रुको,
एंड ओके फाइनली गाइज, उसके बाद आप सभी लोगों को गाइज इन वाले कोऑर्डिनेट पे आ जाना है। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को नीचे की तरफ माइनिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप सभी लोगों को गाइज यहाँ पर कितने डायमंड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों को 8 डायमंड नहीं 9 डायमंड मिल चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ से हमें 3 डायमंड मिल गए और 6 हमारे पास पहले से थे, तो हमारे पास यहाँ पर 9 डायमंड हो चुके हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को गाइज इस तरफ माइनिंग करनी है और आप सभी लोगों को यहीं पर मिल जाएगी डायमंड वैसे तो। एक सेकेंड को ओके फाइनली गाइज एंड ओके। उसके बाद आप सभी लोगों को इस तरफ माइनिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरफ जो आप सभी लोगों के कोऑर्डिनेट है वो थर्ड वाले, उस उन्हें आप सभी लोगों को यहाँ पर बढ़ाना है। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को गाइज यहाँ पर देख सकते हो फाइनली हमें डायमंड मिल चुके हैं। यहाँ पर हमें एक ही डायमंड देखने को मिलेगा जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो गाइज। उसके बाद फाइनली आप सभी लोगों को यहाँ पर, एक सेकेंड को किस तरफ माइनिंग करनी है वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो एडिटिंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी ना पहले। एंड गाइज एक सेकेंड को, उसके बाद आप सभी लोगों को सामने की तरफ ही माइनिंग करनी है, वहाँ से डायमंड कलेक्ट करके आप सभी लोगों को यहाँ पर सामने की तरफ ही माइनिंग करनी है। एंड उसके बाद फाइनली आप सभी लोगों को इन कोऑर्डिनेट पे, एंड एक सेकेंड को यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता हूँ, आप सभी लोगों को वहाँ से जब आप माइनिंग करते आए थे इन वाले कोऑर्डिनेट पे आप सभी लोगों को नीचे की तरफ माइनिंग करनी है। एंड एक सेकेंड को ओके फाइनली हम यहाँ पर नीचे की तरफ माइनिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर माइनस हमें कितने लेकर जाने हैं, 39 लेकर जाने हैं मेरे ख्याल से, वैसे पक्का नहीं बोल सकता। एंड हाँ 36 पे आप सभी लोगों को यहाँ पर डायमंड देखने को मिल जाएंगे। एंड फाइनली देख सकते हो यहाँ से हमें 5 डायमंड मिल जाएंगे जहाँ तक मेरे अंदाजे से हैं। हाँ यहाँ पर गाइज हमें यहाँ पर 5 नहीं 6 डायमंड मिल गए। एंड हाँ अब यहाँ पर हमारे पास 16 डायमंड हो चुके हैं। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं वीडियो कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी। चलो मैं वीडियो कट करता हूँ। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने वीडियो कट कर दी थी क्योंकि यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इन कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर आप सभी लोगों को डायमंड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों को 5 मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं 21 डायमंड। एंड देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारे पास 21 डायमंड हो चुके हैं। एंड चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड कमेंट में जरूर बताना मैं इसका पार्ट 2 लाऊं या फिर नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में हम यहाँ पर 30 डायमंड फाइंड करने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।